नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं देश हमारा। स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। आपको बता दें, सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बवाल शुरू हो गया है। बिहार से उठी विरोध की चिंगारी करीब आधे दर्जन राज्यों में फैल गई है। हालांकि अब भी योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। बिहार के युवा सबसे ज्यादा उग्र और गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शन के दूसरे दिन बिहार के कई इलाकों में आगजनी और पत्थरबाजी हुई। कई जगह रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया और ट्रेन तक में आगजनी की गई। दिन भर बिहार की सड़कों पर हंगामा बरपा रहा। तो वहीं पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में लुका छिपी का खेल चलता रहा। जी 4 साल का नौकरी लाए हैं, देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते हैं। 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम पर बिहार में आक्रोश की आग भड़की हुई है। बिहार के युवा लगातार 2 दिन से सड़कों पर हैं। बिना पेंशन के सिर्फ 4 साल की नौकरी के मुद्दे पर युवा अग्निपथ पर निकल पड़े हैं। विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन प्रदर्शनकारी युवाओं का गुस्सा भड़क गया और बिहार के कई हिस्सों में प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। सड़कों पर टायर जलाए गए और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई जगह रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ और ट्रेनों में आगजनी भी की गई। तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इसके बाद ट्रेन की बोगी धू धू कर जलने लगी। कैमूर में भी प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक पर बैठे युवा सेना में भर्ती की पुरानी योजना की बहाली की मांग कर रहे थे। बिहार में रनिंग पास किया था आर्मी का, दौर फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, रिटेन बाकी था। रिटेन को उन्होंने पोस्टपोन करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। टीओडी 4 साल का नौकरी लाए हैं, देश नेता नहीं चलाते, देश नौजवान को चलाते हैं। इंडियन आर्मी में जाएंगे, हमें पुरानी वैकेंसी चाहिए, हमारे पुरानी वैकेंसी होता था वैसे वापस चाहिए। पहले से फिट थे इंडियन आर्मी में, दौर और मेडिकल हो चुकी थी, उस एग्जाम को रद्द क्यों किया गया? इस दौरान प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ट्रेन पर भी उतरा। अग्निपथ योजना को लेकर आक्रोश इतना भड़क गया कि युवाओं ने एक ट्रेन में आग लगा दी। कुछ ही देर में इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग की लपटें उठने लगी। हालांकि इस दौरान पुलिस सतर्क दिखी और आनन फानन में आग बुझा ली गई। आरा में भी बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे। यहाँ भी प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। छात्रों ने काफी देर तक रेलवे ट्रैक को जाम रखा। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी की गई। जब प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर हालात संभालने की कोशिश की। छपरा में भी प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक तक पहुंच गए। इस दौरान स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में आगजनी की गई। छपरा की सड़कों पर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी की। शहर के नगरपालिका चौक से स्टेशन तक छात्रों का उपद्रव जारी रहा। इस दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें तितर बितर कर दिया। समस्तीपुर में भी सेना की बहाली को लेकर केंद्र की नई स्कीम का छात्रों ने विरोध किया। इस दौरान छात्रों ने दल सिंह सराय रेलवे स्टेशन पर अवध आसाम एक्सप्रेस ट्रेन को रोक लिया।
जहानाबाद में भी युवाओं का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने सुबह से ही शहर के काको मोड़ के पास आगजनी करके NH-83 और NH-110 को जाम कर दिया। बाद में छात्रों ने पैसेंजर ट्रेन रोककर विरोध जताया। करीब ढाई घंटे बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें रेलवे ट्रैक से खदेड़ दिया। बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर NH-28 को जाम कर दिया। भागलपुर में भी युवा आक्रोशित दिखे। यहां प्रदर्शनकारियों ने करीब डेढ़ घंटे तक रेल ट्रैक को जाम रखा। बक्सर में दूसरे दिन भी युवाओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। शहर के किला मैदान से निकलकर सैकड़ों की संख्या में युवा प्रदर्शन करते हुए बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम कर डाला और प्रदर्शन किया। युवाओं का आरोप है कि सरकार के एक फैसले के कारण सेना में जाकर देश की सेवा करने वाले युवाओं का भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे क्या रोड पे आए थे, रेलवे ट्रैक जाम किए थे, ये TOD वापस लेना चाहिए सर। दो साल से एग्जाम पेंडिंग पड़ा है, वो कैंसिल कर दिया। सर मेडिकल फिजिकल फिट है तभी एग्जाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा मुंगेर में नजर आया, जहां सड़कों पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं के प्रदर्शन से कई घंटे तक सड़कें जाम रही। युवाओं ने मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में भी आगजनी की और सड़क जाम कर दी। इसके अलावा आरा में भी जमकर बवाल मचा। युवाओं ने आरा पटना मेन लाइन को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की और रेल ट्रैक पर भी आगजनी कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रेल ट्रैक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस कारण ट्रेन जहां की तहां खड़ी हो गई। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे। बिहार के लगभग हर शहर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार दो दिन से बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। इस बीच बिहार के ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने जो रास्ता अख्तियार किया है उससे उनका भविष्य और दिक्कत भरा होगा। की बात है या कहना चाहते हैं उसको एक मांग पत्र के माध्यम से सामने रखे और तोड़ फोड़ और इस तरह से सरकारी संपत्ति को क्षति अगर पहुँचाएंगे तो मायने में FIR भी होगा। हमने कहा है कि वीडियोग्राफी भी कराएं और जो लोग इसमें उपद्रवी तत्व शामिल है उनके खिलाफ FIR होगी, मायने में FIR होगी। बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़, पथराव, आगजनी और रेलवे ट्रैक पर जाम, अग्निपथ को लेकर बढ़ती विरोध की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार लाख भरोसा दे रही है लेकिन युवा आक्रोशित है, उनका गुस्सा बढ़ रहा है और वो अग्निपथ योजना को अपने भविष्य के लिए खतरनाक बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Z मीडिया।